Hi everyone welcome to Unacademy UGC NET uh, very good afternoon to all of you स्वागत है सभी दोस्तों का जो भी हमारे साथ में लाइव जुड़े हैं वेरी गुड आफ्टरनून एवरी जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए क्योंकि आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है रेवेंस्टीन लॉ ऑफ माइग्रेशन माइग्रेशन से रिलेटेड जितने भी लॉज आते हैं उसमें रेवेंस्टीन का लॉ सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि इसमें इन्होंने माइग्रेशन के बहुत ही माइनर पॉइंट्स को डिस्कस किया था हम भी आज की क्लास में उसी पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं तो विदाउट एनी डिले गाइस स्टार्ट द सेशन आप में से जो भी स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम कृतिका है मैं अन पर एजुकेटर हूँ पास्ट थ्री ईयर्स से और यहाँ पे मैं पेपर वन एंड पेपर टू ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ 27 तारीख हो चुकी है कल तक के लिए ऑफर वैलिड है तो आप जो भी सब्सक्रिप्शन लें उस पर रेफरल कोड यू जरूर टाइप करें ताकि आपको अपने अपकमिंग सब्सक्रिप्शन पे पूरे ट्वेंटी का ऑफ मिल जाए हाई प्रियंका यस आई एम लाइव नाउ मैं लाइव हूं आज So, जो भी लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन वो ले सकते हैं पंद्रह मंथ का ले सकते हैं नाइन मंथ का ले सकते हैं ट्वेल्व मंथ का ले सकते हैं बट रेफरल कोड मेक श्योर कि आपको यूजीसी टैनी लगाना है ताकि आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट का ऑफ मिल जाए ओके सो लेट स्टार्ट द सेशन सेशन का नाम है रेवेंस्टीन लॉ ऑफ माइग्रेशन कौन थे रेवेंटीन <laughs> यानी कि ये ऐसे विचारक हुए थे जिन्होंने प्रवास से संबंधित अपने नियमों का प्रतिपादन किया था सबसे इंपॉर्टेंट इनका ये सिद्धांत तो 1884, 1885 के अंदर ये सिद्धांत आया था जिसको इन्होंने रॉयल स्टैटिकल सोसाइटी के सामने प्रेजेंट किया था 1885 प्रेजेंटेड रॉयल स्टेटिकल सोसाइटी ओके बेसिकली रेविंस्टीन जर्मन से बिलोंग करते थे जर्मन के ये एक इंपॉर्टेंट uh, भूगोलवेता थे माइग्रेशन में इनका एक बहुत बड़ा रोल था और यह एक ऐसे प्रमुख पहले भूगोलवेता हुए थे जिन्होंने माइग्रेशन के बारे में सबसे पहले रूल्स दिए थे तो द लॉ ऑफ माइग्रेशन ये इनका फेमस कोड uh, था लॉ ऑफ माइग्रेशन अब आप यहां पे एक चीज सोचिए यहां पे लिखा है द लॉ ऑफ माइग्रेशन दैट मीन्स कि माइग्रेशन अपने आप नहीं होता है कुछ नियमों को फॉलो करते हुए होता है या फिर कुछ नियम ऐसे होते हैं जो माइग्रेशन के लिए जिम्मेदार ठहराए है जाते हैं ठीक है थीके? कुछ माइग्रेशन के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं जितने भी विचारक अपने सिद्धांत को अगर देते हैं तो उसके पीछे उनका इंपेरिकल मेथड होता है अनुभाविक रेवेंस्टीन की अगर अपन बात करते हैं तो इन्होंने अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज में किस तरह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में माइग्रेशन कैसे होता है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले चर्चा करी थी तो क्योंकि रेवेंस्टीन जर्मन से थे और इनकी किताब का नाम ही द लॉ ऑफ माइग्रेशन था तो हम यही देखेंगे कि माइग्रेशन के बारे में इन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉस को दिया था तो सबसे पहला बात अगर करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की तो नंबर वन सबसे पहले इनका जो रूल आता रूल नंबर वन आता है वो ये होता है कि जितने भी माइग्रेंट्स होते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस का माइग्रेंट करते हैं मोस्ट माइग्रेंट्स आर शॉर्ट डिस्टेंस ये इनका पहला पॉइंट था मोस्ट माइग्रेंट्स आर शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कि माइग्रेशन का रेशियो जितना ज्यादा होगा प्रवास भी माइग्रेशन मतलब जितनी ज्यादा मात्रा में माइग्रेशन होगा प्रवास भी उतना ही छोटा होगा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर सौ व्यक्ति एक हजार व्यक्ति है अगर मैं बोलूँ कि ये एक हजार व्यक्ति प्रवास करते हैं तो चांसेस यहाँ के बढ़ जाएंगे कि ये जो प्रवास होगा वो छोटी दूरी का प्रवास होगा फिर मैं बोलूँ कि इस एक हजार में से केवल सौ व्यक्ति ही प्रवास करते हैं इन सौ व्यक्तियों का प्रवास मध्यम दूरी का हम कह सकते हैं लेकिन मैं बोलू कि सौ में से सिर्फ दस लोगों का ही प्रवास हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि इन दस लोगों का प्रवास लंबी दूरी का प्रवास होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर से तीस किलोमीटर का प्रवास करते हो तो आपके साथ में और भी बहुत से लोग होंगे जो तीस किलोमीटर का प्रवास करते होंगे मान लीजिए कि एक हजार लोग हैं जो तीस किलोमीटर का प्रवास करते हैं कोई बोले कि आपको 300 किलोमीटर का माइग्रेशन करना है तो उस एक हजार में से सिर्फ 100 लोग ही रह जाएंगे से सिर्फ 100 लोग जाएंगे और अगर यह कहा जाए कि तीन किलोमीटर का माइग्रेशन करना है तो लोग और भी कम हो जाएंगे ठीक है तो जैसे एनआरआई होते हैं या जो इंटरनेशनल लोग जाते हैं वो कितने लोग जाते हैं बहुत कम लोग जाते हैं हजार में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता होगा जो अमेरिका जाता होगा लेकिन वो सारे के सारे हजार व्यक्ति अपने जीवन काल में छोटी दूरी का बहुत बार माइग्रेशन करते होंगे अगर आप अपने घर से अपने कॉलेज जा, जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो ये भी एक तरीके का माइग्रेशन है आपके साथ में हजारों स्टूडेंट्स डेली कॉलेज जा रहे हैं और आ रहे हैं दैट मीन्स नंबर ऑफ माइग्रेंट्स अगर ज्यादा है तो वो शॉर्ट डिस्टेंस पे होगा और अगर नंबर ऑफ माइग्रेंट्स अगर कम है तो माइग्रेशन कम डिस्टेंस का माना जाएगा इज इट क्लियर नाउ ठीक है तो ये आपका फर्स्ट रूल ऑफ माइग्रेशन था रेवेंस्टीन के लॉ का कि मोस्ट माइग्रेंट्स आर शॉर्ट डिस्टेंस तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए अकॉर्डिंग टू द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ माइग्रेशन किस डिस्टेंस का होता है तो वो शॉर्ट डिस्टेंस का होता है क्यों क्योंकि नंबर ऑफ माइग्रेंट शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ज्यादा रहते हैं इसके बाद में सेकेंड रूल हमारा आता है माइग्रेशन अकर इन स्टेप्स मतलब प्रवास क्रमिक रूप से होता है सेकेंड नंबर का पॉइंट आएगा माइग्रेशन इन स्टेप्स मतलब कि प्रवास क्रमिक रूप से होता है अब ये जो लाइन मैंने यहां लिखी है इसका क्या सेंस निकलता है क्रमिक रूप से प्रवास को हम कैसे डिफाइन करेंगे सबसे पहले आप ये देखिए कि आज किसी भी इंसान ने अगर बहुत बड़े लेवल का माइग्रेशन किया है दैट मीन्स कि उसके पीछे उसकी बहुत सारी स्टेप्स जुड़ी हुई होगी आप ये मानिए कि ह्यूमन सोसाइटी में माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में डेंसिटी के अंदर बड़ा रोल प्ले करता है पर हम ये देखें कि अगर हम हमारी पुरानी सोसाइटी से चले तो पुरानी सोसाइटी से लेकर आज तक की सोसाइटी के बीच में काम करने के पैटर्न में बदलाव आया है लोगों के ट्रैवल के पैटर्न में बदलाव आया है और लोगों के माइग्रेशन के परसेंटेज में भी बदलाव आया है जैसे आ, सबसे पहले हमारी जो सोसाइटी थी वो एक एग्रीकल्चर सोसाइटी थी एग्रीकल्चर सोसाइटी इस एग्रीकल्चर सोसाइटी से फिर हम गए हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इंडस्ट्रियल सोसाइटी से हम लोग गए अर्बन सोसाइटी में अर्बन सोसाइटी से हम लोग अर्बन सोसाइटी अर्बन सोसाइटी से हम लोग गए हैं टेक्निकल अब आप इस चीज को यू समझिए कि सबसे पहले हमारा कृषक एग्रीकल्चर सोसाइटी थी एग्रीकल्चर सोसाइटी का मतलब ये हो गया कि जिसमें ज्यादातर लोग वर इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ओवर सम प्राइमरी एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बड़े लेवल का माइग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं था तो माइग्रेशन वाज वेरी लेस फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी आती है जिसमें लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर रोजगार की तलाश के लिए जाते हैं लेवल ऑफ माइग्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होता है फिर आती है अर्बन सोसाइटी नगरीय जहां पे रोजगार के अवसर के लिए या कहा जाए कि लोग अपने मनोरंजन के लिए राजनीतिक फायदों के लिए इवन अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी माइग्रेशन करते हैं और फिर आती है टेक्निकल सोसाइटी जिसके अंदर लोग सबसे ज्यादा माइग्रेशन करते हैं तो जो माइग्रेशन के लिए उन्होंने बोला है कि माइग्रेशन क्रमिक रूप से होता है क्रमिक रूप का मतलब यही है कि पहले हमारी सोसाइटी एक बाय स्टेप चलती है मतलब एग्रीकल्चर से सीधा हम टेक्निकल सोसाइटी में तो नहीं आ गए मतलब भाई हम यहाँ थे यहाँ से हम लोग डायरेक्ट तो नहीं आए हम लोगों ने एक स्टेप्स को फॉलो किया है इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब माइग्रेशन अकर इन स्टेप की प्रवास क्रमिक रूप से ही आगे की तरफ बढ़ता है यहां अगर आप हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव देन आप अपनी गोल की तरफ पहुंचेंगे वन से सीधा फाइव की तरफ आप छलांग नहीं लगा सकते यही रेवेंस्टीन का सेकेंड लॉ ऑफ माइग्रेशन कहलाता है ओके okay? इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है माइग्रेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन जिसको प्रवास की धारा प्रतिधारा भी कहा जाता है सेकेंड पॉइंट इज माइग्रेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब प्रवास की धारा और प्रतिधारा जहां पे मैंने ये वर्ड लिखा कि माइग्रेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन इससे आप मतलब आ, मतलब आप क्या समझते हैं जनरली आप लोगों ने ये देखा होगा कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर मेजरली माइग्रेशन गांव से शहरों की ओर होता है तो वो गांव से शहर नहीं होता है वो होता है कम डेवलप से ज्यादा डेवलप देशों की ओर या डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर तो ये एक प्रवास की एक मुख्य धारा है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माइग्रेशन उल्टा चलता है कि जिसमें डेवलप्ड से कम डेवलप की ओर जाया जाता है इसको ही बोल सकते हैं हम माइग्रेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक विलेज है या मान लीजिए कि कोई एक रूरल एरिया है उस रूरल एरिया से माइग्रेशन किसी अर्बन एरिया में हो रहा है तो यहां पे माइग्रेशन रूरल अर्बन का नहीं है यहां पे माइग्रेशन है डेवलपिंग टू डेवलप्ड डेवलपिंग टू डेवलप्ड की तरफ यहां पे माइग्रेशन हो रहा है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यही माइग्रेशन की मेन स्ट्रीम है मेन स्ट्रीम है बट ये वाली जो सिचुएशन है ये किस कंट्रीज में देखने को मिलती है डेवलपिंग ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपिंग कंट्रीज का ओके okay? अब आप एक चीज देखिए ये तो हमने बोल दिया कि धारा लेकिन प्रतिधारा क्या होती है प्रतिधारा का मतलब ये होता है कि अब माइग्रेशन चलेगा उल्टे डायरेक्शन में कि भाई अभी तक तो लोग ऐसे आ रहे थे लेकिन अब लोगों का प्रवास होगा अर्बन एरिया से रूरल एरिया की ओर बट ऐसी सिचुएशन कब क्रिएट होती है ये थी मेन स्ट्रीम ये आपके चलता है ऑपोजिट डायरेक्शन ठीक है अब ऑपोजिट डायरेक्शन को आप कुछ यूं समझिए कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान था जो सिटी में रहता था काफी टाइम से वो सिटी में रह रहा था बट सिटी में रहते रहते ओवर पॉपुलेशन हो गया क्राउड बढ़ गया डेंसिटी बढ़ गई तो अब उनका मन ये करता है कि अब हम कहीं बाहर जा कर के रहें तो फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक सेंटर प्लेस है और ये उसकी धुरी है ये था वो सेंटर प्लेस ये उसकी धुरी थी यहाँ यहाँ तक उसकी टेरिटरीज फैली हुई थी ये अर्बन एरिया था इसकी पॉपुलेशन कंपेरेटिवली बहुत हाई पॉपुलेशन थी और यहाँ पर कोई भी एक ऐसे व्यक्ति निवास कर रहा था अब उस एक्स व्यक्ति को निवास करते करते ये महसूस हुआ कि मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा नगरीकरण हो चुका है मान लीजिए कि भीड़ बहुत ज़्यादा है गाड़ी पार्क करने की भी नहीं है और ना ही कोई एंटरटेनमेंट का साधन है क्राउडेड प्लेस बहुत ज़्यादा है तो वो लोग क्या करते हैं इस एक्स प्लेस से निकल करके यहाँ के इसके जो मार्जिनल एरियाज होते हैं यहाँ पे जा कर के अपना निवास वो बना देते हैं इस किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्लेस पे ये आपके मार्जिनल एरिया होते हैं मार्जिनल एरिया ऑफ द सिटी मतलब कि नगरीय सीमांत क्षेत्र आई बात समझ में तो ये लोगों ने क्या किया माइग्रेशन कहां से किया यहां से तो ये एक अर्बन एरिया था अर्बन से वो लेस डेवलप्ड की तरफ जा रहे हैं रूरल एरिया की तरफ जा रहे हैं इसको बोलते हैं प्रवास की प्रतिधारा आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी सिटीज होती हैं उनके पास में ही एक सैटेलाइट सिटी डेवलप हो जाती है तो सैटेलाइट सिटी में जो लोग आके रहते हैं उसका मतलब यही है कि वो लोग उल्टा प्रवास कर रहे हैं इसका आप उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि गांव में कोई एक आदमी है उसका उसने अपनी लाइफ के 60 साल 60 इयर्स जब तक वो रिटायर्ड नहीं हो गया वो शहर में रहा आफ्टर रिटायरमेंट उनका ये था कि अब मुझे मेरे गांव में जाके वापस रहना है तो वो शहर से गांव में आ गए उनके लिए ये अप्रोच नहीं थी कि डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है उनके लिए था कि मुझे वापस मेरे डेस्टिनेशन पे जाना है तो वो चले गए उसको हम लोग बोलेंगे धारा और प्रतिधारा ठीक है जी थर्ड लोग आप लोगों को समझ में आ गया इसके बाद में फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है हमारा तीन लॉ लो हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितना भी माइग्रेशन होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस का होता है दूसरा माइग्रेशन स्टेप में होता है तीसरा माइग्रेशन में जो रिवर्स लगता है जो रिवर्स माइग्रेशन होता है उसकी हमने बात करी फोर्थ पॉइंट आता है कि माइग्रेशन इज मोर कॉमन इन रूरल एरिया देन अर्बन एरिया क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा मात्रा के अंदर प्रवास करते हैं ठीक है ज्यादातर जितने भी माइग्रेशन होता है रूरल माइग्रेंट्स मोर कॉमन देन अर्बन माइग्रेंट्स रूरल माइग्रेशन रूरल माइग्रेशन इज मोर कॉमन देन अर्बन माइग्रेशन ठीक है मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अगर मैं यहां पे कंपेयर करती हूं कोई भी रूरल एरिया को तो रूरल और अर्बन दोनों में से माइग्रेशन के हिसाब से रूरल एरिया ज्यादा माइग्रेट करेगा अब इसके पीछे का रीजन बहुत ही क्लियर है रूरल एरिया के ज्यादा माइग्रेशन के पीछे का रीजन सिंपल सा ये है कि उसको चाहिए बेटर ऑपरचुनिटीज बेटर रिसोर्सेज बेटर एजुकेशन बेटर अर्निंग सोर्सेज जो कि उसको शहर में ही मिलेंगे ग्राउंड में नहीं मिलेंगे तो जो भी आपके माइग्रेशन के कारण हो सकते हैं वो सब आपको यहां पे लगा देने हैं कि रूरल एरिया के अंदर लेस एजुकेशन है लेस एजुकेशन वहां पे मौजूद है ठीक है लेस रिसोर्सेज है तीसरा नो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है साथ ही साथ अनडेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन ठीक है अब अर्बन एरिया में ये सब क्या है ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स अर्बन एरिया के अंदर अवेलेबल हैं ठीक है उपयुक्त है इस से लोग करते हैं। तो रूरल से अर्बन क्षेत्रों के, के मुकाबले क्योंकि अर्बन वालों को हर चीज वहीं की वहीं मिल जाती है को उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है आप इसका एक एग्जाम्पल लें मान लीजिए आज आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कल को आप कोई और कॉम्पिटेटिव फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आपको पूरे आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हो आप अगर गांव में रहते हो तो आपको अपने आसपास के किसी बड़े शहर में जाके कोचिंग करनी पड़ेगी और अगर कोई शहर का व्यक्ति है जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको कहीं नहीं जाना है क्योंकि उसके घर के पास में ही कोचिंग है और आपको कोचिंग करने के लिए शहर आकर के रहना पड़ेगा क्यों अंतर दोनों में क्या था आपका घर गांव में था उसका घर शहर में था आप ग्रामीण थे वो नगरीय था तो ग्रामीण क्षेत्रों से होने की वजह से आपने ज्यादा माइग्रेशन किया तो ये रेबिन के लॉ ऑफ माइग्रेशन का चौथा लॉ है कि रूरल माइग्रेशन इज मोर कॉमन देन अर्बन माइग्रेशन रूरल इतने मात्रा में माइग्रेशन यहां पे नहीं करते हैं समझ में आ रहा है पॉइंट्स? फिफ्थ नंबर का पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है मोर माइग्रेंट्स आर फीमेल मोर माइग्रेंट्स आर फीमेल मतलब कि महिलाएं ज्यादा प्रवास करती है इसके पीछे का रीजन आप सभी को पता है फीमेल के माइग्रेशन करने का मेन रीजन होता है उनकी मैरिजेस या विवाह क्योंकि मैंने तो ऐसा इतना देखा नहीं है कि लड़कियां जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेशन कर रही हैं मेजरली लड़कियां माइग्रेशन करती हैं आफ्टर वेडिंग शादी के बाद में और ये सिर्फ इंडिया का नहीं है आप अगर कंप्लीट एशियन कंट्रीज में देखेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि स्त्रियों का ज्यादा प्रवास होता है और मैरिज से भी जो प्रवास होता है उसका भी टाइप शॉर्ट डिस्टेंस रहता है मतलब कम दूरी का प्रवास होता है तो आप देखिए मोर माइग्रेंट्स मतलब ये

वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सॉरी सिक्स क्लियर ओके फिर एक छठा पॉइंट आता है अब आप देखेंगे कि हमने यहां पे फोर्थ नंबर के पॉइंट पे देखा था कि रूरल माइग्रेशन इज मोर कॉमन देन अर्बन माइग्रेशन रूरल माइग्रेशन ज्यादा करता है अब रूरल माइग्रेशन करके कहा जाएगा सिटी एरिया में जाएगा अर्बन एरिया में जाएगा तो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन को वो डायरेक्टली बढ़ा देगा डायरेक्टली बढ़ा देगा वो तो अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन होती है वो नेचुरल ग्रोथ के कंपेयर में माइग्रेशन की वजह से ज्यादा बढ़ती है ठीक है तो सिटीज ग्रो फ्रॉम माइग्रेशन ग्रो फ्रॉम माइग्रेशन देन नेचुरल इंक्रीज ये हमारा सिक्स पॉइंट है सिटीज ग्रो फ्रॉम माइग्रेशन ग्रो फ्रॉम माइग्रेशन देन नेचुरल इंक्रीज ठीक है जैसे कि मान लीजिए कि कोई रूरल एरिया है ओके okay? और वहीं एक अर्बन एरिया है फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरिया इज टेन थाउजेंड ओके एंड द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरिया इज वन लैख मान लीजिए कि रूरल एरिया से कोई माइग्रेशन होता है और यहां के लोग यहां पे पहुंचते हैं तो डेफिनेटली अगर मान लीजिए कि दस हजार में से एक हजार लोगों ने भी माइग्रेशन किया वन थाउजेंड का, का यहां पे माइग्रेशन हो गया ठीक है तो वन जब माइग्रेशन होगा तो यहां की पॉपुलेशन तो आपकी नौ हजार रह जाएगी लेकिन यहां की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी एक लाख एक हजार सॉरी एक लाख एक हजार यहां की पॉपुलेशन हो जाएगी तो भाई यहां पे जो प्लस वन थाउजेंड पॉपुलेशन हुई वो किसकी वजह से हुई है माइग्रेशन की वजह से ना तो यहां पे जन्म दर बढ़ी है ना मृत्यु दर घटी है नेचुरल इंक्रीज का मतलब ये होता है कि आप बर्थ रेट माइनस बर्थ रेट और रेट से जब आप रेशियो को निकालते हो तो वो नेचुरल ग्रोथ होती है बट यहां ये किससे हो रही है माइग्रेशन से हो रही है मतलब कि ये अननेचुरल ग्रोथ है कब होगी ये जब माइग्रेशन होगा तो अरब अभी जैसे आप मुंबई का एग्जाम्पल लो मुंबई के पॉपुलेशन एक करोड़ के ऊपर है लेकिन वो जो एक करोड़ लोग मुंबई में रह रहे हैं क्या उनका जन्म मुंबई में हुआ है नहीं उसमें से काफी लोग माइग्रेंट्स हैं वो बाहर से वहां आए हैं तो मुंबई की पॉपुलेशन को बढ़ाने में योगदान नेचुरल ग्रोथ के बजाय वहां पे होने वाले माइग्रेशन का ज्यादा रहा था ठीक है इसके बाद में आपका सेकेंड रूल आता है सेवन नंबर का मोस्ट migrants आर अडल्ट मोस्ट migrants आर अडल्ट अडल्ट का मतलब वयस्क है वयस्क क्यों है इसको समझने के लिए आपको एज स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा आयु संरचना आयु संरचना का मतलब हमारी अगर हम एवरेज एज देखते हैं तो 80 साल की आजकल एवरेज एज हो चुकी है इसमें क्या किया गया है एज ग्रुप को डिवाइड किया गया है तीन ग्रुप्स के अंदर एज स्ट्रक्चर को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है पहला जीरो टू फोर्टीन दूसरा टू टू फाइव और तीसरा सिक्सटी फाइव से प्लस इस ग्रुप को भी आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फिफ्टीन टू थर्टी फाइव एंड थर्टी सिक्स टू सिक्सटी फाइव ओके आप ये समझिए कि ये है हमारा एज स्ट्रक्चर अब आप एक चीज देखिए हमने ही बोला है कि मोस्ट माइग्रेंट्स आर अडल्ट बट हाउ इसको आप इसे इस केस अगर मैं ये कह रही हूं कि जीरो टू फोर्टीन जीरो टू फोर्टीन के अंदर हम किस ग्रुप को शामिल करते हैं इसके अंदर basically बच्चे आते हैं और इसके अंदर ओल्ड आते हैं और इसके अंदर आते हैं सारे अडल्ट अडल्ट प्लस यंग अब आप एक चीज को समझिए जीरो से चौदह साल तक का जो बच्चा होगा क्या वो अपना खुद का पोषण खुद कर सकता है नहीं क्या वो पैसे कमा सकता है नहीं बल्कि उसकी जितनी भी जरूरतें होंगी उसके लिए वो डिपेंड करेगा इस एज ग्रुप के लड़के इस एज ग्रुप पे पंद्रह से पैंसठ वाले पे वो डिपेंड करेगा तो इसका मतलब ये कौन सा है ये डिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट ग्रुप है तो अगर ये डिपेंडेंट ग्रुप है तो इसका माइग्रेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि भाई ये कमाई की तलाश में जाएगा वहीं आप देख लीजिए कि जो सिक्सटी फाइव प्लस का है ये भी ओल्ड है इसका मतलब ये जो काम कर सकते थे अपने जीवन में इन्होंने कर लिया है बट अब ये भी क्या हो चुके हैं डिपेंडेंट हो चुके हैं किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे भाई ये भी इसी एज ग्रुप पे डिपेंड रहेंगे तो इसका मतलब जो पंद्रह से पैंसठ का है वो एज ग्रुप है वर्किंग पॉपुलेशन अडल्ट और यंग ये कौन सी पॉपुलेशन है वर्किंग पॉपुलेशन है अब अब ये जो working population यहाँ पे बनी है अब इसको रोजगार की तलाश के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं जा सकते ये नहीं जा सकते, सिर्फ यही जाएगा तो रोजगार बिकॉज माइग्रेशन के पीछे का मेन रीजन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन बेटर अपॉर्चुनिटीज ही माना जाता है तो ये हमारा जो सेवन का पॉइंट था वो भी यहां पे प्रूव होता है ठीक है इसके बाद में आपके सात आठवां रीजन आता है मोस्ट माइग्रेशन फॉर इकोनॉमिक रीजन मोस्ट माइग्रेशन फॉर इकोनॉमिक रीजन मतलब ज्यादातर जो कारण होता है वो आर्थिक कारण होता है आर्थिक कारण का मतलब क्या हो सकता है मतलब मनी इसका फैक्टर हो सकता है जॉब फैक्टर हो सकता है एडुकेशन फैक्टर हो सकता है ठीक है एंटरटेनमेंट ठीक है गुड क्लाइमेट गुड क्लाइमेट बेटर अपॉर्चुनिटीज उसके बाद में एक गुड लाइफ बेसिकली देखा जाए तो गुड लाइफ इन सबकी तलाश में इंसान माइग्रेशन करता है और इकोनॉमिक रीजन ही उसका मेन माइग्रेशन माने जाते हैं तो दोस्तों ये थे आपके रेवेंस्टीन के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि रेवेंस्टीन के इंपॉर्टेंट लॉज में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं आई थिंक कि टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा यही रेवेंस्टीन का मेन uh, लॉ होता है जिसमें वो बात करते हैं कि प्रवास किस किस सिचुएशन में होता है कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट लग रहा है तो आप लोग प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं अदरवाइज हम हमारे सेशन को समअप करेंगे मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी आज के क्लास में रेवेंस्टीन के लॉ ऑफ माइग्रेशन की रेमस्टीन ने अपना लॉ ऑफ माइग्रेशन 1885 के अंदर सबसे पहले दिया था जिसके अंदर रॉयल स्टेटिकल सोसाइटी के सामने उन्होंने दिया था जर्मन से दे द लॉ ऑफ माइग्रेशन उनकी किताब का नाम था माइग्रेशन के उन्होंने आठ रू रूल्स दिए थे सबसे पहला रूल्स था मोट मोस्ट माइग्रेंट्स आर शॉर्ट डिस्टेंस लोग कम दूरी पर प्रवास करते हैं माइग्रेशन हमेशा स्टेप बाई होता है तीसरा रोल था माइग्रेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होता है रूरल माइग्रेशन अर्बन माइग्रेशन के कंपेयर में ज्यादा रहते हैं मोस्ट माइग्रेंट्स आर फीमेल्स मोस्ट ज्यादातर माइग्रेंट्स फीमेल्स होती हैं सिटीज कंपैरेटिवली माइग्रेशन से ज्यादा ग्रोथ करती है कंपेयर टू नेचुरल ग्रोथ जितने भी माइग्रेशन होते हैं उसमें से ज्यादातर अडल्ट होते हैं और माइग्रेशन अपने इकोनॉमिक रीजन की वजह से किए जाते हैं आई होप आप लोगों को क्लास क्लियर हो गई होगी और भी कोई डाउट लगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा और इसी के साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में मुझे अन अकेडमी पर फॉलो करना चाहते हो तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके आप कृतिका पार्क के नाम से मेरी प्रोफाइल आपको मिलेगी आप उसे फॉलो कर सकते हो जहां पर आपको मेरी फ्री क्लासेस मिलेगी आप में से जो भी मेरी फ्री क्लासेस नहीं ले रहा है उनको मैं बता दूँ गाइस टू पी पे मेरी फ्री क्लास हो रही है अनअकेडमी लर्निंग ऐप के ऊपर और ये ऐप फ्री क्लास है जिसमें मैं अभी पी वाई करवा रही हूँ तो आप इस फ्री क्लास को अटेंड कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है मेरी प्रोफाइल का जहां से आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी और आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो सब्सक्रिप्शन के लिए भी मैंने लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है आपको जहां से आप सीधा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव परसेंट आप ऑफ ले सकते हैं यू जी सी टेन रेफरल कोड की हेल्प से अभी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ चल रहा है और ये ऑफर गाइस सिर्फ और सिर्फ कल तक के लिए वैलिड है अट्ठाइस तारीख तक के लिए वैलिड है ट्वेंटी सेवन हो चुकी है तो जो भी लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन इस ऑफर के जरिए आप अपना लाभ उठा सकते हैं और मेरे साथ में आके आप लोग जुड़ सकते हैं ये अन का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है आप इसको भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर क्लास की अपडेट मिलती जाए थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए हैव अ ग्रेट डे बाय बाय